रहा हूँ यहाँ का स्पेशल पिज़्ज़ा परांठा, जिसमें कि चीज़ होगा, जिसमें हम लोग मोजरेला चीज़ यूज़ करेंगे। ये वेजिटेबल्स होंगे, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, कॉर्न, ब्लैक ऑलिव, मशरूम, पनीर के क्यूब्स, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। क्या हम फिलिंग रेडी है, अभी हम डो लेंगे। डो भी हमारा 50% मैदा और 50% आटा होता है, प्योर मैदा नहीं है, जो कि हानिकारक हो। अभी इसकी फिलिंग इसके अंदर जाएगी। अब ये पराठा बन के मतलब तैयार है, इसकी फिलिंग विलिंग सब भरी गई है, अब इसको बेला जाएगा। हाँ जी, तो भैया जैसे हम देखते हैं बाज़ार में लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, और पिज़्ज़ा और इसमें क्या अंतर है? देखिए टेस्ट तो सेम आने वाला है दोनों में। अच्छा, पिज़्ज़ा वो होता है थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, ये इसमें मतलब आपको कोई नुकसान नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें आटा भी है और थोड़ा मैदा भी होता है। भैया डिमांड है कस्टमर की, बटर में सेक सेक देते हैं, कोई देसी की मांगता है देसी की में देते हैं। पिज़्ज़ा में आप लोग देखोगे कि जो फिलिंग होगी वो सब ऊपर होती है, और वो एक मशीन में सिर्फ बेक किया जाता है, वो भी तब तक थोड़ा सा बस चीज़ मेल्ट हो जाए, जो बेस होगा वो कच्चा रहता है फिर भी। अच्छा, ये ऐसा है कि तवे पर ढंग से करीब 5 से 10 मिनट तक सेकेगा ये, जितना भी इसका कच्चा बन है वो सब दूर हो जाएगा और बढ़िया कड़क होके ये आपकी प्लेट में आएगा। देखिए ये कौन से ऑयल में सिक रहा है इस टाइम पराठा? ये देसी घी में सिक रहा है। अच्छा भैया, अपने यहाँ कौन कौन से और पराठे मिल जाते हैं? हमारे यहाँ पराठे तो चीज़ में काफ़ी वेराइटीज़ हैं। अच्छा, जैसे ये मैं स्पेशल पिज़्ज़ा पराठा लगा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बस पराठा बनाते हैं। अच्छा, चीज़ कॉर्न, चीज़ ऑनियन, चीज़ गार्लिक, चीज़ मशरूम, चीज़ ऑलिव। अच्छा, काफ़ी वेराइटीज़ हैं। फिर हम लोग रेगुलर पराठे में ले लीजिए तो आप आलू पराठा, पनीर पराठा, मिक्स वेज पराठा। तो ये टाइमिंग क्या होती है अपनी? टाइमिंग लंच में स्टार्ट करते हैं, 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात को 12 बजे तक रहता है। अच्छा, अगर किसी को आना हो तो एड्रेस? इसको खाने के लिए आपको आना पड़ेगा सदर बाजार की मशहूर चाट गली है, जो कि आगरा में फेमस मार्केट है, सदर बाजार का चाट गली। अपनी दुकान का नाम बताइए भैया। ये दुकान का नाम क्वालिटी पराठा एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। क्वालिटी पराठा एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट, हाँ जी, चाट गली आगरा जी। ये तैयार हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो कितना टाइम लगा? अभी तो 50% ही हुआ है। अच्छा, अभी करीब मैक्सिमम 7 मिनट तो लगता ही बनाने में इसको। 7-8 मिनट लग जाते हैं। हाँ, पिज्जा जैसे जैसे पिज्जा का साइज होता है सेम होता है, और फिलिंग उसे डबल ही बैठेगी, पिज्जा से जो फिलिंग होती है उससे इसमें डबल ही है। डबल, क्या बात। और देसी घी में प्रिपेयर किया जाता है, ये चॉइस है कस्टमर का, बटर ये 170 वाला है भैया। ये 170 वाला होती है, जो कि ब्रांडेड है अपने डॉक्टर ओएटकर की मेयोनीज है। वीवा का ये होता है एलोपिनो सॉस। इसमें अपनी चटनी होती है जो कि घर पे बनाई जाती है। हाँ, घर की बनी हुई चटनी होती है इसमें, कि मिर्ची, पुदीना, पालक, धनिया सब होता है, और इसमें टॉप्स का केचप होता है। तो पराठा आपका इधर तैयार है। गार्निश करेंगे। शेफ, देख सकते हैं आप, ये देखिए, इसीलिए इसको कहा जाता है पिज़्ज़ा पराठा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं फिलिंग कितनी ज़बरदस्त है इसकी। चलिए दोस्तों, ट्राई करते हैं क्वालिटी पराठे वालों का चीज़ी पराठा। तो दोस्तों, कुल मिला के आप कह सकते हैं दिस इज़ द हेल्दियर वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा से कहीं ज़्यादा खाने में बेटर लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ी है, मसालों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह नज़र आ रहा है। और कुल मिला के अगर मैं कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ आकर 170 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो आपके बिल्कुल वर्थ हैं। और अगर आप अगर आ रहे हैं तो चाट गली में आकर क्वालिटी पराठा पर आकर एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।